हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दिलीप धनखड़। काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, उसका कुछ रीज़न है मेरा पर्सनल काम की वजह से, क्योंकि मैं लेबर नहीं रखता, मैं खुद वर्क करता हूँ, इसलिए मैं फ्री नहीं हो पाता हूँ, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। लेकिन काफ़ी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो आपको देने लायक होती है, कैसे भी करके मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ। तो वैसे ही आज का एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ख़ास करके किसान भाइयों के लिए जो पशुपालन कर रहे हैं उनके लिए आज का टॉपिक बहुत ही महत्व का है। और इस टॉपिक के बारे में अगर चर्चा करें तो पहला तो ये है कि अगर आप कोई पशु खरीदना चाहते हो तो पशु लेने से पहले आपको कौन सी तकेदारी रखनी पड़ेगी, क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बारे में बताता हूँ आपको। पहला तो आपको पशु का मिल्क चेक करना पड़ेगा, 2 से 3 बार, कम से कम 2 से 3 बार उसका मिल्क चेक करना पड़ेगा कि वो कितना मिल्क देती है। अदरवाइज आप चेक नहीं करोगे और एक टाइम चेक करोगे तो उसमें फ्रॉड हो सकता है, और अगले टाइम कम मिल्क निकाला होगा और आपको ज़्यादा मिल्क निकाल कर दिखा देंगे कि भाई ये लीजिए इतना मिल्क निकालती है ये भैंस, और ऐसा कुछ फ्रॉड हो सकता है। और दूसरी बात कि आपको पशु लेने से पहले उसको चेक करना पड़ेगा, उसकी स्किन पर चेक करना पड़ेगा कि कोई किसी भी टाइप का इंजेक्शन तो नहीं यूज़ किया ना, क्योंकि आजकल जो मार्केट में लेन देन कर रहे हैं पशुओं की, वो खास करके जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो एक टाइप का इंजेक्शन यूज़ करते हैं, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो इंजेक्शन का गैर इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पे वीडियो देखकर किसी को कोई भी गैर इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो वो स्किन पर देखना होगा कि वो इंजेक्शन तो यूज़ नहीं किया हुआ ना, अगर किया हुआ है तो छोटा सा वो ब्लड का पॉइंट मार्क होगा मिल्क निकालने से पहले अगर यूज़ किया होगा तो। क्या है कि उस इंजेक्शन को यूज़ करने से कम 1.5 से 2 लीटर तक दूध बढ़ जाता है पशु का, और उस इंजेक्शन अगर रेगुलर यूज़ करते हैं सभी व्यापारियों को दिखाने के लिए तो वो भैंस बीमार होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको यही चेक करना पड़ेगा उसकी स्किन पर कि इंजेक्शन तो यूज़ नहीं कर रहे हैं ना कोई ऐसा फ्रॉड करने वाला। और तीसरा और आखिरी तो आप अपने खुद के विश्वास पर पशु ले देख कर और सारी जांच करने के बाद, ना कि कोई बोल दे कि भाई ये पशु ऐसा है और इतना मिल्क निकालता है और ऐसा है, उस पर विश्वास ना करें, आप खुद देखें, खुद आप अपने विश्वास पर पशु खरीदें। तो ये कुछ फैक्ट थे जो पशु खरीदने से पहले आपको ध्यान रखने चाहिए, वो मैं आपको बताना चाहता था। धन्यवाद, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।